और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पास अपना खुद का मकान नहीं है, ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा बनाए गए पक्के मकान और आवश्यकता के अनुसार मकान के लिए सरकारी जगह मुहैया कराई जा रही है। और इसी कड़ी में नासिक में संभागीय राजस्व विभाग क्षेत्र में कुल 26,000 से ज्यादा परिवारों को जगह मुहैया कराई गई। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन परिवारों को उन जगहों को दिया गया है। तो गरीब हैं और ऐसे में इस योजना के तहत तो वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक का मामला है, 26,000 ऐसे परिवार जिनको आवास से लाभ यहाँ पर मिला है। सरकारी जमीन कहा जा रहा है कि अभी इनको आवंटित की गई है। तो गरीब परिवारों को ये सरकारी योजना का लाभ, 26,000 ये परिवार ऐसे में बताए जा रहे हैं। देश के हर परिवार के प्रमुख का सपना होता है कि अपना खुद का एक आशियाना हो, जहां पूरे परिवार समेत हम अपना जीवन सुख और चैन के साथ व्यतीत कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच से केंद्र सरकार एक परियोजना चला रही है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस आवास योजना के तहत देश के जरूरतमंद परिवारों को या तो पक्के मकान मुहैया कराए जा रहे हैं या फिर उनका घर बनाने के लिए सरकारी जमीन उन्हें दी जा रही है। नासिक के राजस्व विभाग के इस संभाग के बारे में बात करें तो नासिक, अहमदनगर, धुले, जलगांव और नंदुरबार समेत 32,000 से अधिक ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने प्रस्ताव दाखिल किए थे जिनके पास अपने घर के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। लेकिन सरकार द्वारा चाहे वो शुगर फैक्ट्री की ज़मीन हो, कृषि मंडल की ज़मीन हो या फिर चाहे गांव में चरागाह की भूमि समेत अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि हो, इन सभी स्रोतों से मिलाकर 26,000 से अधिक लोगों को उनके सपनों का आशियाना बनाने के लिए ज़मीन मुहैया कराई गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी इन सभी जिलों में से 29,000 से अधिक परिवारों के अपने खुद के घर का सपना लगभग सुनिश्चित हो गया है कि अब उनका मकान यह बनकर ही रहेगा। रवि पाटिल, नेटवर्क 10, नासिक।